पापा के यहाँ हूँ और कभी कॉल ना पप्पा ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब मजे में होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ हटके होने वाला है, कुछ नया करने जा रहा हूँ मैं। मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा मैं आज क्या करने वाला हूँ। तो मैं घर में बैठा बैठा ये सब करता रहता हूँ और ये सब करने में मेरे को बहुत मज़ा आती है और आई होप कि आपको भी देखने को मज़ा आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ किया नहीं है, अभी करूँगा, उसके बाद पता चलेगा मेरे को मज़ा आई है कि नहीं आई है। तो जल्दी से पापा की राह देख रहा हूँ मैं। आज 12 बज चुके हैं और पापा अभी तक आए नहीं है, 12:30 बज चुके हैं। तो पापा आते हैं और सीधा मैं बम फोड़ता हूँ कि पापा आज मैं तुम्हारे हेयर कट करने वाला हूँ। तो देखते हैं पापा के रिएक्शन क्या होता है। वैसे तो नाम मना नहीं करेंगे, मैंने उसको हिंट दे ही दिया था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, लेकिन फिर देखते हैं। उनके मूड के ऊपर है, तो अभी के लिए अपने चंपल चोर यहाँ पे आ चुका है। ब्रो बस आते ही सोने का ही रहता है, और कुछ रहता ही नहीं है इसको। आराम है ब्रो, आराम 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 है ब्रो। हेयर स्टाइलिस्ट को तुमने बुला लिया अभी काटने को? तेरे को इसको है ना, वो पकड़ना भी नहीं आता है, वो मशीन पकड़ना भी नहीं आता है। लॉकडाउन में क्या क्या भाई, मेरा जयू काट देगा बाल। मैंने ऐसा बोला था व्हाट में, फॉर्म में बोला था मेरा जयू बाल काट देगा और जयू को पकड़ना नहीं आ रहा। ऐसा बोला फॉर्म, एक साइड का घापचा पूरा निकाल लिया, एक साइड का घापचा पूरा निकाल लिया रहा भाई ने। तो इधर का तकला हो गया इतना पास, अभी हो जाएगा बस पार 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 जाए। और उसको भाई माँ कसम आता नहीं था और भाई बोल रहा है हो जाएगा, एक साइड का इधर पूरा घाबड़ा कर दिया था। तो ऐसा मैं इतना खराब तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। क्या बाल काटना आता नहीं था पर कॉन्फिडेंस फुल था। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर आ चुके हैं। कस्टमर पैसे लेके आए कि नहीं है? आज तुम्हारे हेयर कटिंग होने वाला है, पता है तुमको? करेंगे नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा लगेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डर लग रहा है कि नहीं? वही डर लग रहा है। क्यों? है ना पिछल आदमी है ना, भरोसा है क्या मेरे पे? करने वाला पिछल आदमी है। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसे बाबा सबको मिले, मेरे पे भरोसा है उनको कि मैं अच्छा कट कर दूंगा। तो अभी देखते हैं, करते हैं ट्राई, कैसा होता है कैसा नहीं पता नहीं। अब हमारा सेटअप फुलहाल रेडी है क्योंकि मम्मी का सब चेयर वेयर है ही, तो उसका कोई दिक्कत नहीं अपने को। और जो उसे मशीन मंगवाया था हमने, साइड में ना हमारी तरह कट करेंगे, वो शेड वाला कट करेंगे पहली बार, और शेड वाला कट सर लॉकडाउन में मैंने काटा था लेकिन अभी फिलहाल वापस काटते हैं। अंकल आज आपके बाल गए, बाल गए तो पूरा वापस तकड़ा हो जाओ, क्या करेगा वही होना पड़ेगा। लेकिन नहीं मैं जीरो को मार दीजिए बस बीजू आंखों, इससे कुछ हमद नहीं पड़ता है, हम कैची से काम करेंगे। ये इसका नॉलेज लेना पड़ता है, ये अपने को नॉलेज नहीं है इसका, वो घाबड़ा घाबड़ा निकल जाता है इसमें।
घुमाने का, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे 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 करने का, स्लोमो ले लो। अभी अभी मेरा मेन हथियार ये है, पकड़ नहीं आ रहा। किया है, लेकिन मम्मी ने मेरे को डरा दिया क्योंकि अभी शादी में जाना है, मेरी मासी के पास शादी है 20 तारीख को, तो उसने मेरे को डरा दिया अभी, तो अभी मेरा हाथ कांप रहा है। लेकिन फिर भी अभी ट्राई करूँगा कि कुछ ना कुछ खराब कटिंग ना हो। लेकिन ये मम्मी लोग है ना, डरा देते काटने से पहले, जितना कॉन्फिडेंस होता है ना वो सब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है इन लोग की वजह से। अभी ऐसे ऐसे देखेगी और उसमें से करेगा, अरे ये तो सही नहीं है, अरे ये तो ऐसा कर दिया। अरे भाई शांति तो रख, पूरा कटिंग तो करने दे। कच 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 चालू हो गया अभी इसका। ओए अरे कार ने बाहर, ये बाइक को बाहर भेजो भाई, ये मेरे ग्राहक को बिगाड़ रही है। अभी मेरे ग्राहक को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने अच्छा काटा है, और मैंने अच्छा ही काटा है। लेकिन ये जान के पास चले जाओ, अच्छे से सेट करवा लो। अरे भाई अच्छा ही है, अभी थोड़ा बहुत करना है, आपको दिखाता हूँ कैसा कटेंगे। पूरा शेड समझाओ तुम। शेड है ना, ये जीरो है, ठीक है। ये जीरो से थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ये थोड़ा दिख रहा है, इसको भी करेंगे ऐसे अच्छे से, ठीक है। और इधर थोड़ा सेट करना है अपने को, ये थोड़ा घाबड़ा हो गया, तो इधर थोड़ा सेट करना है अपने को। इधर देखो, इधर भी शेड है, थोड़ा बहुत ही मैनेज करना है इसको, बाकी सब परफेक्ट है। ऐसा नहीं किया कि पहली बार कट किया और पूरा का पूरा बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अच्छे से कर दूंगा, वो भी अच्छे से कर दूंगा मैं। मेरे को और पतली कंघी चाहिए मम्मा, देखो ये वाला कंघी मेरे को चाहिए था, इतना पतला इसका वाला, तो ये अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ये चलो यहाँ पे हमारा डन होता है। यस, तो यहाँ पे हमारा कटिंग डन होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, और इधर पीछे आ जाओ और यहाँ पे देख सकते हो, और मेन चीज़ है वो पीछे वाला। बहुत मस्त है, पीछे भी ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ही है। तो यहाँ पे हमारा डन होता है, चलो खड़े हो जाओ। अभी कितना हुआ तुम्हारा चार्ज? मेरा चार्ज है 50,000 रुपया पर कटिंग, यानी 50 × 50 यानी 15 लाख रुपया हो गया। खाते में लिख दो। यार एकदम वो बना दिए पापा को, क्या बोलते हैं, फैशनेबल कटिंग की है। यही लाए उधर, वो देखेंगे अभी देखने का, अभी ओके है। चलो थोड़ा सा झाड़ू लगा लेते, एक साइड कर देते, तो मम्मी को भी दिक्कत नहीं, गाली वाली नहीं पड़ेगी अपने को। कैसा लग रहा है पापा, बताओ, घूम के दिखाओ। मुझे मजा नहीं आया। हाँ मजा नहीं आया। तू तो वो है ना, ओल्ड जमाने के है ना तुम लोग, इसलिए तुमको समझ में नहीं आएगा। इधर मैंने 150 रुपये मैंने, बढ़िया एकदम बढ़िया है। हाँ तो भाई नहीं पाई तो पड़ी क्यों थोड़ा, बस दो दिन होगा ना, दो तीन दिन में अच्छा यानी मैनेज हो जाएगा, यानी अच्छा। पहली बार कटिंग किया है तो भाई इतना तो होगा ही भाई, क्या है। तो यहाँ पे अभी फाइनली यहाँ पे हमारे आज के ब्लॉग का एंड हो रहा है, क्योंकि आई होप कि आपको आज बहुत मज़ा आया होगा ये वाले कटिंग में। तो ऐसे ही मैं ब्लॉग लाते रहूँगा, ठीक है। तो मेरे को अच्छा जो अच्छा लगता है ना मैं वो बनाता हूँ। तो ये आज मेरे को कटिंग करने का मूड था, तो मैंने बोला पापा आपके कटिंग करते, तो पापा ने एक भी बार में ना नहीं बोला, हाँ ही बोला। तो आई होप कि आपको आज बहुत मजा आया होगा, तो सारे बंदों को बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट। बाय गाइस, यू प्यारा सपोर्ट बनाए रखना, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।